रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 8 महीने हो चुके हैं। काला सागर में प्रतिबंध के कारण दुनिया को भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था। तुर्की की मध्यस्थता से यूक्रेन और रूस के बीच दुनिया को गेहूं निर्यात करने के लिए समझौता हुआ था और इस कारण दुनिया को राहत मिली थी। दुनिया में खाद्य वस्तुओं के दामों में आए उछाल और घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब फिर से भारत रूसी गेहूं की खरीद फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है और यह जानकारी TASS समाचार एजेंसी ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने पहले यूक्रेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा था, लेकिन वर्तमान में अनाज का आयात बंद कर दिया है। खरीद को रोकने के फैसले के बारे में कहा गया था कि इसका मौजूदा युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2018 से शुरू होकर भारत ने घरेलू उत्पादकों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात और तेजी से सीमित कृषि आयात को बढ़ावा देने के लिए एक देश स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया था। तब से उनके देश ने गेहूं और पीले मटर के आयात को पूरी तरह से रोक दिया था। इसके बजाय भारत कथित तौर पर रूसी गेहूं को आटा और पास्ता जैसे अन्य सामानों से संसाधित करने और उन्हें पड़ोसी देशों में फिर से बेचने के लिए देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहता है। रूस में बने सामानों का फिलहाल भारत आयात कर सकता है जो भारतीय खुदरा विक्रेताओं द्वारा ऑर्डर किए जाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2017-18 के वित्तीय वर्ष में भारत द्वारा आयातित गेहूं की कुल मात्रा 364.5 मिलियन डॉलर थी। इसमें रूस का हिस्सा 86.87 मिलियन डॉलर था, जबकि यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा 148.93 मिलियन डॉलर यूक्रेन का और 125.63 डॉलर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा इसमें शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।